वैसे तो आपने कई डायनासोर्स के बारे में सुना होगा, जिनमें से कुछ अपने विशाल आकार तो कुछ अपने आक्रामकता के लिए जाने जाते थे। कुछ की त्वचा इतनी सख्त थी जिसे भेद पाना नामुमकिन था। पर यदि काल्पनिक डायनासोर की बात आती है तो कई फिल्मों के मुताबिक कई डायनासोर के डीएनए से बना इंडोमाइनस रेक्स का नाम सभी की जुबा पर आती है। पर आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे हाइब्रिड डायनासोर की प्रजाति से जिसके आगे इंडोमाइनस भी कुछ नहीं है। हम बात कर रहे हैं अल्टिमासोरस की, जिसे कई डायनासोर के डीएनए से तैयार किया गया था और इस कारण ये चलता फिरता मौत का मशीन भी कहलाता है। और इस हाइब्रिड जीव की लुक्स इसे और भी खतरनाक बनाती है। जिसका सिर के ऊपर निकले हॉर्न्स ट्राइसेराटॉप की तरह था, इसका सिर और पूरा शरीर टीरेक्स की तरह थी, इसकी भुजा और दो पैर वेलोसिरेप्टर की तरह था, वहीं इसका पीठ एंकाइलोसोरस की तरह थी और साथ ही इसके पूंछ में निकले कांटे स्टेगोसोरस की तरह था, जो इसे बेहद ही डरावना बनाता था। वहीं इंडोमाइनस रेक्स भी कई कार्निवोरस डायनासोर की डीएनए से बना सबसे शक्तिशाली डायनासोर में से एक था। पर जैसा कि आप जानते हैं, यह एक बैटल वीडियो है, तो इन दोनों को आज आपस में लड़ना ही होगा, भले ही इसका वजूद इस धरती पर हो या ना हो। एक तरफ है अल्टिमासोरस, जिसकी बनावट कई शक्तिशाली डायनासोर की थी, साथ ही कई डायनासोर की खूबियां इसमें सम्मिलित थी, जो 14 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 6 टन वजन का शक्तिशाली जीव था, जिसके पैर सबसे तेज भागने वाले डायनासोर वेलोसिरेप्टर के जैसे थे, इसलिए इसकी रफ्तार का मुकाबला कर पाना नामुमकिन था। वहीं इसकी नजर से कोई भी नहीं बच सकता था, साथ ही इसके मजबूत सिंग से ये किसी भी जीव को मौत के घाट उतार सकते थे। वहीं इसके कांटेदार पूंछ किसी को घायल करने के लिए काफी था और इसकी बाइट फोर्स टीरेक्स की बराबर थी। वहीं इंडोमाइनस रेक्स 15 मीटर लंबी, 6.5 मीटर ऊंची और 5.5 टन वजन का बुद्धिमान प्राणी था। चूंकि इनका निर्माण कई कार्निवोरस डायनासोर के डीएनए से हुआ था, तो बेशक ये जीव भी कुछ कम नहीं था। इंडोमाइनस रेक्स अपनी इंटेलिजेंस से हो सकता है कि अल्टिमासोरस को हरा सके या अपने छिपने की कला से अल्टिमासोरस को चकमा देने में कामयाब हो जाए, पर चूंकि कभी इन जीवों की लड़ाई आपस में संभव नहीं थी, तो ये फैसला मैं आप पर ही छोड़ता हूँ कि किसके जीतने के चांस सबसे ज्यादा है। हमें कमेंट कर बताना ना भूलें।